हर पार्टी में कुछ ऐसे राजनेता होते हैं जो अपनी ही पार्टी के विचारधारा से सहमत नहीं होते। ऐसे में वो समय समय पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावती सुर अख्तियार कर लेते हैं। पार्टी ऐसे नेताओं को बगावती नेताओं की संज्ञा देती है। आम चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी के ऐसे चार नेता हैं जो कि चुनाव के मौसम में उनका खेल बिगाड़ सकते हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और कीर्ति आजाद, ये वो नाम हैं जिनकी बगावत का बीजेपी को हरदम डर सताता रहता है। मोदी सरकार की बगावत करने वाले ये चार नेता चुनाव के मौसम में क्या करने वाले हैं? आइए बारी बारी से जानते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा, आए दिन बीजेपी विरोधी बयान देने के कारण शत्रुघ्न सिन्हा कई बार बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बन जाते हैं। 2014 में सांसद बनने के एक साल बाद ही शत्रुघ्न ने बीजेपी के खिलाफ तेवर बदल लिए। हाल ही में उन्होंने ममता बनर्जी की रैली में शामिल होकर बीजेपी को नाराज कर दिया था। अब चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि वो बीजेपी के संग रहते हैं या दूसरी पार्टी में शामिल होकर बीजेपी की खिलाफत बरकरार रखते हैं। वैसे कांग्रेस की तरफ उनके झुकाव को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो महागठबंधन का हाथ थामकर पटना साहिब से चुनाव लड़ सकते हैं। यशवंत सिन्हा, बीजेपी के सीनियर लीडर और वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा भी आए दिन मोदी सरकार की आलोचना करते रहते हैं। खबरें हैं कि इस बार वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन विपक्ष उन्हें राज्यसभा का लालच देती रहती है। ऐसे में मुमकिन है कि वो भी विपक्षी पार्टी का हाथ थाम ले। अरुण शौरी, एक समय में मोदी के गुणगान करने वाले अरुण शौरी अब मोदी के कट्टर विरोधी बन चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कई बार विपक्षी नेताओं के साथ मंच साझा करते भी देखा गया है। कहा जा रहा है कि वो एक गैर कांग्रेसी क्षेत्रीय नेता के नजदीक हैं और उनके कोटे से राज्यसभा भी जा सकते हैं। कीर्ति आजाद ने 2014 में सांसद बनने के बाद ही बीजेपी से बगावत का बिगुल बजा दिया था। उन्होंने अरुण जेटली पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके चलते उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस के संपर्क में है और 3 फरवरी को राहुल गांधी की रैली में कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो ये थे वो बीजेपी नेता जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार करके सरकार की नाक में दम कर रखा है। वैसे अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि वो कौन सी विपक्षी पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन चुनाव के मौसम में देखना दिलचस्प होगा कि इनकी पार्टी छोड़ने पर राजनीति को कौन से नए रंग देखने को मिलेंगे। खबर अपडेट की रिपोर्ट।